हेलो दोस्तों, नमस्कार। और बताइए, एक बार फिर से आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं एक नए वीडियो, नए खबर, नए अंदाज के साथ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइएगा जरूर। और स्वागत है आप सबका मंटू बबीता चैनल में। तो दोस्तों, अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम बना रहे हैं हरे प्याज की पकौड़ी। इधर देखिए, कट करके रखे हैं और अभी इतने में जो है बेसन मिला रहे हैं, क्योंकि कल जो है भाभी की पक्की सहेली, बहन जो भी आप कह सकते हैं, और मेरी भी भाभी लगती हैं, तो जो है क्या कहा जाता, वो ये सग्गा प्याज दी थी। हमारे यहाँ सग्गा प्याज ही बोलते हैं। तो हम कहे कि क्या होगा, तो भाभी से कल ही पूछे थे कि भाभी पकौड़ी बना रहे, तो भाभी बोले बना दिया। तो उसी का बना रहे हैं पकौड़ी। और दोस्तों, किसको किसको पसंद है कमेंट में जरूर बताइएगा। उधर हमारा डुग्गू है जो कि इधर उधर 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 रेंग रहा है एकदम। कहाँ से आ रहे हो? तो दोस्तों, ऐसे ही उसको बस, अगर वो ठीक रहता ना, जैसे खेल रहा है ऐसे ही वो खेलने को ढूंढता है। जब बीमार रहता है तभी रोता है बेचारा। तो आज भाभी इसकी पिटाई भी कर दी थी, तो मैं बहुत गुस्सा रहा था उनके ऊपर। हाँ, नहीं तो बेचारे को पीट दी थी। तो दोस्तों, अभी पकौड़ी बनाएंगे, खाएंगे फटाफट, चाय भी बनाएंगे पकौड़ी साथ में, और खा पी करके शॉर्ट वीडियो भी बनाना है। और क्या ही बताएं दोस्तों, काजल है जो कि एकदम परेशान करके रखती है, मैंने ज्यादा परेशान कर दी है दोस्तों। जहाँ जहाँ रहते हैं वहीं वहीं पीछे पीछे एकदम पल्लू पकड़ के रहती है, समझ जाइए। हमारी मम्मा हो आप, मारेंगे एक चीज लुट जाओगे वहाँ पर। मम्मा है नहीं दोस्तों, हमारी दीदी है ये। और दोस्तों, इसके बाद ओके दोस्तों, क्या ही कहें। तो दोस्तों देखिए, पकौड़ी मिलाते वक्त बेसन से दिखाया गया। अभी पकौड़ी देखिए इतना सारा तल दिए हैं, और तल दिए, इधर चाय गर्म कर रहे हैं, भैया भाभी को खिला दिए। इधर काजल जो चटनी बनाई है हरी धनिया की, तो सब आप सब कुछ रेडी हो गया, भैया भाभी खा ले, बस हम काजल खाएंगे, चलने बाइक पे पार्टी करेंगे। या मैं तो बहुत खुश हूँ दोस्तों। सोचे थे आज सपना आने वाली थी, लेकिन जो है उसे किस्मत में था नहीं, आज नहीं आए, खाना कैंसिल हो गया, नहीं तो भी पकौड़ी खाने पाई होती, तो उसके किस्मत में था नहीं। तो दोस्तों, इतना ज्यादा पकौड़ी हम ही दो लोग खाएंगे बस। दोस्तों क्या है कि सोचे थे हम लोग आज आने वाले थे ना, लेकिन ये हुआ कि अभी तो 4-5 दिन बाद देखा जाएगा, तो इसलिए नहीं आई। तो हम लोग सोचे वो भी खाने पर जाएगी, लेकिन किस्मत की बात है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो नाम तो हम लोगों का लिखा है, तो हम ही लोग खाएंगे। तो ओके दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं भाभी क्या कर रही हैं। और भैया गए हैं किसी काम से, और भाभी यहाँ पर है। हाँ देखिए, बाबू जो है काजल को भगा रहा है, और काजल पता नहीं क्यों रो रही है। काजल अभी से एक भैया के लिए रो रही, देखिए कहीं से रोई हुई है दोस्तों, यही देख ला है, यही देख ला। अरे हमारे अभिषेक हो, अभिषेक अब देखिएगा दोस्तों, बाबू की तरह लाला मातू न रो। भाई देखिए कैसे बाबू भगा रहा है। दोस्तों, जो काजल चिपकी हुई है इसीलिए वो रो रहा है कि छोड़ा मार मम्मी, छोड़ा मार मम्मी। एक काजल इधर देखा हो, देखी तार रोइया, ए बनरी बनरी। अच्छा ना, अच्छा इधर आ, इधर फोटो खींच लेता या काजल इधर आ। दोस्तों, ये किसी को देखा है ना, काजल रो रही थी दोस्तों, चुपा रहे थे, चुपा जा, छुपा रहे दोस्तों। उसके बाद से इसको मरवाई चालू हो गया, गैस काजल आके भाभी चिपक गई, इसीलिए इनको हमेशा अपने औधे का डर लगा रहता कि कोई कब्जा ना कर ले। इधर यहाँ देख ला, है बेटा, है बेटा, है बुआ के ब्लॉगों ताकदा, आई देखा दोस्तों, देखिए कैसे रो रहा है, एकदम चिड़चिड़ाहट। ओले चिशोना मुन्ना आया, तू तो लड्डू गोपाल आया, का रो रहे थे बेटा, का हुआ है, का हुआ बताओ, का हुआ है, सब गला रखते लग गए ना, बन ना लग हुआ तनको ना बाबिन बचावा। तो दोस्तों, भाभी देखिए रेडी वेडी हो गई हैं, बस ये लल्ला जो है कुछ ज्यादा प्यार उमड़ रहा है, क्योंकि अभी इसको पता चल गया कि मम्मी वीडियो बनाएंगी। दोस्तों वीडियो नहीं बना रहे थे तो सोचता हमेशा मम्मी गोद में, देखिए कैसे दुलार दिखा रहे, लाड लड़ा रहा मम्मी से, देखिए मम्मी बहुत लाड लड़ाता है, देखिए खोड़ू रहा दुइये दत वाला ही काट हुआ है। हां दुइये को हाय देख ला, हाय देख ला, आहा
देखा देख ला कैसे तो मम्मी का पहने की बेटा दोस्तों देखिए कितना गुस्सा बहुत है इनके छटंकी राम के भैया गए हुए मार्केट ये पुत्र और पत्नी को यही छोड़कर गए हुए हैं कहे हैं आप लोग तब तक वीडियो वीडियो बनाइए मैं अभी आता हूँ दोस्तों काम धाम तो लगा ही रहता जान ही रहे हैं तो किसी काम को करने गए हुए हैं और इन लोगों की शरारतें ऐसे ही कंटिन्यू माँ बेटे की लगी रहती है एकदम देख रहे हैं देख लीजिए ऐसा दुलार कहीं मिलेगा ए ए बंदर देखिए दतवा देखिए दोस्तों यही दो दतवा तो सब लोग फिदा हो जाते हैं दो ठू दांत खोड़े राम तू पोछ ला आ जाइए तार सजनवा है क्या बात है सजनवा आ जाएंगे तुम्हारे दोस्तों बस परसों आ जाएंगे फिर काजल का भाव नहीं मिलेगा तो कौन मंटू दीदी अकेले खाना खाइए ना तो हाँ तो हम अकेले खाए तो हम भाभी लेके खा बैठ गए यहाँ कहिए कौन मंटू दीदी एक जग पारी ले जाइए छते पे ये खाना वही खा का जीवन न खेइए भाई वाह क्या सीन रहेगा दोस्तों बोलबे नहीं करेगी चाहे अपना ब्लॉग हो चाहे जिसका हो सन्न मारे रहेगी अपना ब्लॉग बनाएगी तब भी भाभी से भैया हमसे बुलवाएगी खाई थोड़ा बहुत बोलेगी उसमें एकदम चुपचाप ना काजल एकदम बड़ा दोस्तों बाल पछुआवा का एकदम जैसे लगता है कि कड़ा डुप्लीकेट बाल एकदम लेकिन भाभी का इसे साइड वाला मांग फाड़ के निकालती बहुत अच्छा लगता है अरे तो गलती कर दू एक दिन पहले तू परसों छूट जाये भाभी अब इन परसों से भैया परसों तक छूट जाये काली रखे चाहत राति में खुशी टिकाना ना बा खुशी टिकाना ना बा एकदम से हाई पर रख देख ले जइयो असद भाई कुछ समझत तौ असद दोस्तों भाभी को हम लोग खाना वाना खिला पिला दिए हैं और इसके बाद जो है अभी हम लोग खाए नहीं मन नहीं कर रहा था आज आप लोग भी खा लीजिए चलो या वीडियो बना जाए पारी पारा सबकर हाँ वीडियो कुछ बना लिया जाए और इसके बाद फिर जो है अभी काम करना सोच रहे भले तबीयत खराब है दर्द कर फिर बैठने वाला काम करेंगे आज बाबू पूरा कपड़ा सही से रखेंगे काहे से कि सरिया के रख दे खाली छूसल बस जी ना वही सरिया के पूरा रखेंगे और आज पोछा नहीं लगाएंगे भाभी कल लगाई तो भाभी जी कुछ बोलिए हमारे दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए क्या करें बस सपोर्ट करने को कह सकते बिना आज का भाभी बुद्धि ना काम करत पेंदा तो आज थोड़ा सा डिस्टर्ब है हम लेकिन भले बोले ही तैयार वैयार हुए हैं लेकिन थोड़ा सा दिमाग की टेंशन है थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा देखिए मार रहा है कैसे बच गया अच्छा लाला का है कुछ कुछ मांग रहा है कुछ मांग रहा है देख रहे हैं आप लोग कैसे मम्मी से लिखवा पढ़वा रहा हाथ है पुदुक्को चिकन का हाथ है इनके ये इनके लिखल जाए को जब हाँ। लिखा गला जा पढ़ ला अच्छा दादा लिख दिया वो लिखाइबे ना करी तेल लगावा दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ माँ बेटे का प्यार दुलार चल रहा है जो कि हमेशा ही तो हर घर में लगा रहता है और इसके बाद से आप लोग कमेंट भाई देख जादू देखे माँ का जादू आप लोग ये है माँ बेटे का जादू दोस्तों और आप लोग हमारे भी कमेंट पे पूछ रहे हैं कि कल भाभी सबनम को लाने आए तो भाभी बताएं आप उनके चैनल पर जाकर देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा अभी वो ठीक है अच्छी है भाभी देखिए पेन चाहिए पेन दोस्तों अभी से लड़का कलेक्टर बनेगा तो अभी वो ठीक है उस समय उनका तबीयत कुछ खराब था इसीलिए भाभी जाने वाली थी अभी वो ठीक है तो कौन माँ बाप तो यही लोग हैं आप लोगों को पता ही है तो इसीलिए कहें कि ठीक है घर वाले अभी ठीक है फिलहाल वहाँ पर लेकिन अब बातचीत नहीं हो रहा है तो क्या हम बता ही सकते हैं क्या उसके साथ हो रहा है क्या नहीं हमें तो नहीं मालूम है मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए हैं उसके घर वाले बात नहीं हो पा रही है उससे तो फिर भी अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं बात करने के लिए अभी तक बात नहीं हुई दोस्तों कल सुबह से ही बात नहीं हुआ है वो आने के लिए कह रही थी उनके परिवार वाले कह रहे हैं नहीं जाना है विदा नहीं कर रहे हैं विदा नहीं कर रहे हैं लोग बहुत परेशान है बहुत टेंशन है दोस्तों की
वही टेंशन आज सुबह सुबह फिर भाभी लेके बैठी हुई है। दोस्तों आज हम रात भर सो नहीं पाए, अपने पति से कुछ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्योंकि पापा उसी के पास जा रहे हैं, सपना के पास जा रहे हैं, बहुत डांट रहे हैं, बहुत बोले हैं, तब कैसे सोना नहीं, सुबह हो गया हमको, इसीलिए आज थोड़ा और लेट हो गया है। और उसी सिलसिले में भैया भी अपना गए हुए हैं इधर उधर, अपना क्या करें, तो आज काफी लेट भी हो गया है ब्लॉग डालने में, क्योंकि हमें लग रहा था कि अभी 9 ही बज रहे हैं दोस्तों, घड़ी नहीं दिखे, और 11 बज गया, और वैसे हम 10 बजे तक अपना ब्लॉग, अब काजल है एक दिन पहले बनाती है, आज का बनाया कल डाले कर उसका ठीक रहता, वो अपना अपलोड कर टाइम से 8 बजे, और हम क्या है आज ही बनाएंगे तो अपलोड करते, तो इसीलिए हमारा आगे पीछे लेट, किसी दिन 12 बज जाता है, किसी दिन 11 बज जाता है, इसीलिए दोस्तों टाइमिंग देख रहे हैं, देख लीजिए कहाँ है चूहा, देख रहा है चूहा कैसे मार रहा है, तो अच्छा मार ला दोस्तों, यही सब है। और जो है कोई भी इसे अगर आप लोग को डाउट रहे तो आप लोग आर के रजनी कौशल चाहे सुगु मुगु पे देख सकते हैं, सबन उसमें भाभी हर अपडेट देती रहती हैं आप लोगों को, क्योंकि और इधर देखिए देख लीजिए झगड़ा मार के अपना ही रो रहा है, देख रहे हैं मार भी अपना ही रहा मम्मी को, रो भी रहा देख रहे हैं, अच्छा ना सब बदमाशी यही है इनका बदमाशी, तो हम कर देख रहे हैं, आप लोग कहते हैं बहुत क्यूट है बहुत प्यारा, मगर इस क्यूट से चेहरे के पीछे मत जाइएगा दोस्तों, देखिए कितना बदमाशी करता है, और इतना बदमाशी करता है दोस्तों, इतना बदमाशी करता है कि भाभी जो है कभी कभी मार भी देती हैं, और दोस्तों क्या बताएं कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आज सुबह सुबह दिक्कत हो गया प्रॉब्लम, तो इसी वजह से भैया भाभी डिस्टर्ब हैं, और जो है क्या ही बताएं, शबनम भी पता नहीं कैसी है वहाँ पर, इसी वजह से भैया भाभी सब लोग डिस्टर्ब हैं, और लेकिन अभी भाभी तैयार हुई हैं, भाभी कह रहे हैं कि कुछ भी हो वही रोजी रोटी है, क्या करेंगे, तो वीडियो तो बनाना पड़ेगा ही, तो इसीलिए तैयार हुई हैं, अभी शॉर्ट वॉर्ट वीडियो बनाएंगी भाभी। और इधर डुग्गू है जो कि मम्मा को अपने छोड़ना ही नहीं चाह रहा है, केवल मिमी कहता है दोस्तों, हमको बुआ बुलाता है लल्ला, देख रहे हैं ऐसे बोलता है, बोलने की कोशिश करता, अब तक चलने लगता बाबू हमारा, लेकिन क्या करें दोस्तों, बीमार पड़ गया था बाबू, एकदम लू लग गया था, पेट और दस्त वस्त चालू हो गया था, जिसकी वजह से कमजोरी की वजह से वो बैठ भी नहीं पाए, जैसे लगता था उसको चक्कर आ रहे हैं, अब हम लोग बड़े हैं, हम लोग कह देते हैं कि चक्कर आ रहा मम्मी पापा जो भी हो, लेकिन बच्चे नहीं ना समझते हैं, बस वो कुछ कह भी नहीं पाते हैं, तो यही सब है दोस्तों, समस्याएं आती रहती हैं जाती रहती, जी कहा जाता है कि जिंदगी झंड है फिर भी गबंड है, तो दोस्तों अगर वीडियो में कुछ भी गलत बोले होंगे तो माफ़ करिएगा, और आप लोग प्यार दुआ से सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो दोस्तों नमस्ते, और बताइए कैसे हैं आप लोगों से मिलके ऐसे लगता है कि बस अभी जस्ट अभी अभी मिले थे, तो क्यों ना लगे, क्योंकि आप लोग बंद कर दो फिर से चलाओ।